जो जीवन हमें मिला है वो अद्भुत है, जो जीवन हमें मिला है वो बेनमून है। या जीवन में आकर के हम भोग सुख ले सकते हैं, हम आनंद कर सकते हैं, हम सांसारिक सुखों को भोग सकते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं जब भी संसार की ओर जाने का मन हो, जब भी संसार में डूबने का मन हो, जब भी सांसारिक प्रक्रिया आपको याद आने लगे, जब भी आपको मोह सताए, जब भी आपको द्वेष सताए, जब भी आपको कसाय सताए, जब भी आपको ईर्ष्या सताए, तो एक ही सूत्र, एक ही मंत्र आपके दिमाग में बिठा दीजिए, चलना है रहना। क्यों करें हम, ताकि ये जिसके सूत्र में दिमाग बैठ, दिमाग में जो सूत्र बैठ जाता है, जिसके दिमाग में सूत्र बैठ जाता है, चलना है रहना नहीं है, चलना है रहना नहीं है, चलना है रहना नहीं है, ये जिसके दिमाग में बैठ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। हमारे दिमाग में सूत्र को बिठाना है, हम कोई भी प्रक्रिया करें उसके पहले एक बार ये सूत्र को याद कर ले, चलना है रहना नहीं। हम किसी से क्यों बिगाड़े, चलना है रहना नहीं है। हम किसी के प्रति मोह का भाव क्यों खड़ा करें, चलना है रहना नहीं है। हम किसी को गालियां क्यों दे, चलना है रहना नहीं है। हम किसी को थप्पड़ क्यों मारे, चलना है रहना नहीं है। किसी ने हमारा बिगाड़ा फिर भी हम उसके बिगाड़ने की क्यों सोचे, चलना है रहना नहीं है। किसी के प्रति क्रोध के भाव उठे तो हम क्रोध क्यों करें, क्योंकि चलना है रहना नहीं है। ये जितने भी भौतिक सुख आपके जीवन में है, भौतिक सामग्री आपके जीवन में है, उसके प्रति मोह का भाव क्यों खड़ा करें, चलना है रहना नहीं है। जब भी आपको संसार के प्रति आकर्षण हो, ये एक ही सूत्र आपके संसार के आकर्षण को दूर कर सकता है। होता है, आप सांसारिक जीव हो, संसार में रहते हो और संसार के प्रति आकर्षण का भाव उठता है, संसार के प्रति आकर्षण की भावना उठती है। ये घर मेरा, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, आप हर चीज के साथ मेरा शब्द जोड़ देते हो। समझना, आपको शायद पता हो, आज से 5-25-50 साल पहले माहौल ये था आपका परिवार का, मेरा शब्द कम इस्तेमाल होता था, हमारा शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता था। मारू ए ओछो वपरातो शब्द हतो अने आपनु ए वधारे वपरातो शब्द हतो। समझना, आज से बहुत ज्यादा दूर की बात ना करें तो 5-25 साल पहले की बात को सोचे तो हमको पता चल जाएगा, मेरा ये शब्द कम इस्तेमाल होता था, हमारा ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता था। कोई पूछता था ये घर किसका है, आप कहते थे हमारा है। कोई पूछता था ये गाड़ी किसकी है, आप कहते थे हमारी है। कोई पूछता था ये परिवार किसका है, आप कहते थे हमारा है। कोई पूछता था ये संग किसका है, आप कहते थे हमारा है। अब हमारा आपके डिक्शनरी में से निकल गया। जितना हमारा निकलता है और जितना मेरा आता जाए, समझना उतने आपकी स्वार्थ वृत्ति बढ़ती जा रही है। ये मापदंड है, ये बैरोमीटर है, थर्मामीटर, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी स्वार्थ वृत्ति बढ़ रही है। मेरा शब्द का इस्तेमाल जितना बढ़ता जाए ना, आप समझना आपके जीवन में स्वार्थ वृत्ति बढ़ती जा रही है, और हमारा शब्द का जितना इस्तेमाल बढ़ता जाए ना, आपके जीवन में स्वार्थ वृत्ति घटती जा रही है, कम होती जा रही है। मार्ग करना, गौर करना अपने शब्दों पर, अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना, गौर करना कि मैं दिन में कितनी बार मेरा शब्द बोलता हूं। सुबह से जब आप उठते हो, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा रूम, मेरा टीवी, मेरा लड़का, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे प्रभु, हर शब्द में आपने मेरा जोड़ दिया है। और आप ट्राई करके देखना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब जब भी आपका मेरा हटेगा और हमारा आएगा, आपकी कहीं ना कहीं से अटैचमेंट, संसार के प्रति अटैचमेंट कम होता जाएगा। हमारा है ये घर किसका, हमारा ये परिवार किसका, हमारा। जहां जहां आपने मेरा शब्द जोड़ दिया, वहां वहां आपकी स्वार्थ वृत्ति बढ़ती चली गई, और जहां जहां आपने हमारा शब्द रखा, वहां वहां आपकी स्वार्थ वृत्ति घटती चली गई। अटैचमेंट, संसार के प्रति जो आपका आकर्षण है, संसार के प्रति जो आपका लगाव है, संसार के प्रति जो आपका कनेक्शन है, संसार के भीतर आप जो डूबे हुए हो, जिस तरह से कहा जाता है, बराबर समझना, कि भ्रमर को पता होता है कि फूल का रस लेते जाऊंगा, लेते जाऊंगा, लेते जाऊंगा, कब संध्या हो जाएगी पता नहीं चलेगा, फूल मुंद जाएगा, बंद हो जाएगा और मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन ये पता होने के बावजूद भी रस के प्रति आकर्षण इतना ज्यादा है कि वो रस को छोड़ नहीं सकता।
यही हालात आपके हैं। आप नहीं जानते संसार असार है, आप नहीं जानते संसार में परेशानियां है, आप नहीं जानते ये संसार आपकी भवों की परंपरा को बढ़ाता है, आप नहीं जानते ये संसार आपको परेशान करता है, आप नहीं जानते ये संसार से आपको दुख मिलता है, आप नहीं जानते ये संसार से आपको व्याधि पीड़ा मिलती है, आप नहीं जानते ये संसार में आप धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। हर सब चीज आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पाते, क्योंकि रस के प्रति आकर्षण इतना है। आप सब चीज जानते हो, संसार में जितना आकर्षण बढ़ाएंगे उतनी परेशानी होगी, आप जानते हो। संसार में जितना डूबेंगे उतनी भव भ्रमणा हमारी बढ़ती जाएगी, आप जानते हो। संसार से जितना अटैच होते जाएंगे उतना डिटैच होना मुश्किल होता जाएगा, आप जानते हो। संसार में जितने डूबेंगे उतनी मौत आपकी बिगड़ेगी, आप जानते हो। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी संसार का रस आकर्षण अटैचमेंट आपको इतना ज्यादा है कि जानते हुए भी आप नहीं छोड़ पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मंत्र के समान ये सूत्र है। जब भी भीतर में स्वार्थ के भाव उठे, जब भी भीतर में संसार के भाव उठे, जब भी भीतर में संसार का अटैचमेंट तेज हो जाए, जब भी भीतर में संसार की कनेक्टिविटी तीव्र हो जाए, तब ये सूत्र आंखों के सामने रखिए। चलना है, चलना है, रहना नहीं है। क्यों हम क्यों इतना अटैचमेंट करें? सब छोड़ के जाना है, एक दिन सब छोड़ के निकल जाना है, एक दिन चले जाना है, यहां से रहना नहीं है। हमारा जीवन यहां परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ये हमारे दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। आपके आसपास के जितने भी माहौल में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपकी सामग्रियां है, जितने भी आपकी सुविधाएं हैं, जितने भी आपके भौतिक सुख के साधन है, जितने भी आपके मित्र स्नेही स्वजन है, जितने भी आपके परिवारजन है, सब परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। ये दिमाग में बैठना चाहिए। और इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया कि हर एक श्रावक के मन में एक भावना होती है कि मेरा जन्म भले ही संसारी वस्त्र में हुआ, जन्म लेने के साथ मैंने पहले वस्त्र संसारी धारण किए हो, लेकिन मेरे अंतिम वस्त्र साधु के हो, क्योंकि चलना है, रहना नहीं है। लिखा गया हमारे सूत्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि श्रावक के अंतिम वस्त्र साधु के होने चाहिए। जब तक ये भावना आपके भीतर पैदा नहीं होती, समझना आप सच्ची सही मायने में श्रावक नहीं बन पाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब भी संसार के प्रति एक आकर्षण खड़ा हो, एक ही सूत्र, एक ही मंत्र आपके जहन में उठना चाहिए, आपके दिमाग में उठना चाहिए, आपके मन में उठना चाहिए, आपके हृदय में उठना चाहिए। चलना है, रहना नहीं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।